हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं और आज कुछ स्पेशल होने वाला है, कुछ बढ़िया होने वाला है। तो चलिए, वो क्या है और कब होगा वो दिखाऊंगा आपको आगे। फिलहाल नाश्ता करता हूँ, आप भी आइए नाश्ता कीजिए, मिलते हैं आपको आगे। यहाँ पे मम्मी बना रही नाश्ता, आज बनाया मम्मी ने सेमैया। अरे मैया बस्ता मैया सेमैया बनाया, तो झटपट सेमैया खाते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर मिलेंगे दिन भर आपको। अभी तो काफी बाहर कोहरा है। तो दोस्तों, आज घर में एक ऐसी चीज आने वाली है जो काफी दिन से मिसिंग थी और उसको लेने मैंने जाना है रामनगर। तो चलिए रामनगर जाके बताता हूँ आपको वो क्या चीज है। सुबह से कुछ नहीं करा, खाली बैठे हैं। अभी फिलहाल रामनगर जा रहा हूँ और बताता हूँ क्यों रामनगर जा रहा हूँ। फिलहाल लंच कर रहता हूँ, उसके बाद चलता हूँ रामनगर की तरफ, फिर मिलेंगे आपको रामनगर में। टिल देन दोस्तों, फिलहाल मैं और राजू भाई जा रहे हैं रामनगर। आज एकलव्य और आयुष्मान आ रहे हैं नानी के घर से वापस। तो यही वो बात थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था सुबह से। तो अब वो दिन टाइम आया जब मैं बताने जा रहा हूँ और फिलहाल फटाफट चलते हैं और लेके आते हैं उनको घर को, क्योंकि थक गए वहां से आते हैं। फाइनली हम आ गए घर पे, अब आज आ गए आयुष्मान और एकलव्य। तो यही वो खुशी थी जिसकी मैं बात कर रहा था। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। किल्डिन की मुची घास नानी के घर से आयो, कल मैं छुट्टी पड़ेगी तब जाके मैं फिर जाऊंगा, तुमको फिर जाऊंगा, फिर जाएगी, फिर जाऊंगा, फिर याद आ गया, फिर जाऊंगा, फिर याद आ ये फिर जाऊंगा, फिर याद आ गया, फिर मैंने वहाँ फोन देखो, फोन देखो, फोन देखो, फोन पे लगे हुए और मम्मी का दिमाग भी खा दिया। और आज मैं रात से बोलूंगा, रात तुम्हें हमारे हमारे पिरमदारे में हमारी कैसी रात होती है गोरी पापा, पिरमदारे में कैसी रात होती है, कैसे होती है। घर में आते ही दोनों ने तहलका मचा दिया और दादी उनको खाना खिला रही है। फटाफट से खाना खाएंगे, फिर थोड़ी देर आराम करेंगे। फिलहाल देखो घर आते टीवी दोस्तों, हमारी वो ट्रेन आर्मी घर आ चुकी है जो ऑटोमेटिक अपने आप ट्रेन होती है, वो आर्मी घर आ गई। एक को भात खाएगा, भात दोस्तों, एक को क्या खाएगा, भात। तो दोस्तों नानी गाजर का हलवा भेजा, गाजर का हलवा दिया और हम ऐसे यहाँ पर ऐसे मुँह बैठाए रहते हैं। तू कहाँ से आया आज, किसके घर गया था तू? पूरे घर में आतंक का माहौल है, इन्हीं का राज चलेगा अब। कल तक हम सुनसान रहते थे मैं और मम्मी, आज से इन्होंने फिर से आतंक शुरू कर दिया है। देख रहा है। दोस्तों एकलव्य और आयुष्मान के घर में आते ही ना पूरा का पूरा घर हंगामे से भरा रहता है। पूरा दिन भर हमारा एंटरटेनमेंट होता रहता है, कभी वो कैसी हरकतें करते हैं, कभी कैसी हरकतें करते हैं, और एक ही है देखो, दिन भर कुछ ना कुछ बोलता रहता है। समझ तो नहीं आ रहा वो क्या बोल रहे हैं, पर दिन भर कुछ ना कुछ बोलता रहता है। और आज हमारे घर शिवांश भी आया है, आयुष्मान का दोस्त। हेलो बोल, हेलो बोल। तो दोस्तों हम आ गए गाड़ी
मैं और दादा और ये पीछे पैसेंजर बैठा है और मैं गाड़ी चला रहा हूँ और कुछ इनके घर माँ के घर आने से मेरी माँ को बड़ा रिलैक्स है क्योंकि मम्मी अब आराम से रहेगी, खाना वाना सब आरती मैडम पकाएंगे। दीदी कार्ड कार्ड भी दिखाना। किसकी शादी में? दोस्तों मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इन शोपों में बैठ के भी टीवी देखी जा सकती है, पर वहाँ पे खड़े होकर कैसे देखी जाती है टीवी, समझ नहीं आ रहा है। वहीं खड़े होकर देख रहे टीवी क्यों? ये लड़का भाई है अरुण चाचा। हाँ उनकी शादी होगी। अरुण पापा का भाई? हाँ ये अरुण तुम्हारा भाई अरुण। हाँ तो दोस्तों आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किल दिन की मुंजे का है हवेस्ट है।